सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम चेक करेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी का नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस वेरी गुड हैंडराइटिंग। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग खराब है बहुत इसमें। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? देखो, अब अगर दो रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, आंसर आपका रैशनल नंबर आता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मान लो कि फिर से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि जल्दी से फटाफट आप समझ जाओ इसको। सो 2/4 है और ये 3/4 है। सो 2/4 और 3/4 इसको अगर सॉल्व करोगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 - 3/4। क्यों मैंने ऐसा लिया? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ऐसी एब लेने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए, सेम डिनोमिनेटर। तो मतलब क्या करना होता है, ऊपर के न्यूमरेटर्स को खाली एड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों न्यूमरेटर को, 2 - 3 और अपॉन 4। आंसर क्या आएगा? -1/4। अब ये जो -1/4 है, ये -1/4 भी एक रैशनल नंबर है। मतलब के जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसा करते हैं ना कुछ, देखो a - b, सो b - a। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि a - b का जो आंसर आए वही आंसर b - a का भी आए? नॉट पॉसिबल। ये एक रैशनल नंबर, ये दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है, फिर ये दूसरा रैशनल नंबर, ये पहला वाला रैशनल नंबर, दोनों का आंसर एक जैसा नहीं आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे है, a के बदले अगर आपने रखा है 2/3 और b के बदले अगर आपने रखा है 1/3 मान लो। ठीक है, सो 2/3 - 1/3 आपका आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरफ ऐसा, और यहाँ पे b के बदले क्या था? b के बदले था 1/3, सो यहाँ पे आपने लिखा 1/3। माइनस a क्या था आपका? a था आपका 2/3, सो आपने लिखा यहाँ पे 2/3। सो इसको भी अब करेंगे हम लोग 1 - 2 ऐसा लिखेंगे अपॉन 3। सो 1 - 2 क्या आएगा आंसर? -1/3। तो यहाँ पे तो -1/3 है और यहाँ पे 1/3 है, मतलब के a - b is not equal to b - a। so properties of subtraction of rational number में commutative property satisfy नहीं करती। आगे देखते हैं इसके बाद, तो अब हम देखते हैं associative property for subtraction of three rational numbers। जब भी associative property आए, मतलब समझ लेने का कि तीन rational number या फिर तीन कोई number होने चाहिए। मान लो इसमें हम लोग को चेक क्या करना होता है, इसमें हमें ये चेक करना होता है, मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है a/b, ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर है c/d, तीसरा रैशनल नंबर है e/f, ठीक है, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो जैसे इन तीनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अगर ऐसा अगर लिख रहे हैं, मान लो कि a/b माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में c/d -e/f, तो क्या इसका आंसर हमें चेक करना होगा कि क्या इसका आंसर ऐसा है, इसके साथ आ सकता है क्या, कि अगर आप a/b लिखो -c/d लिखो, ठीक है, अब इन दोनों को आप ब्रैकेट में कर दो और जो तीसरा वाला था ना ये, इसको आप अकेले बाहर निकाल के रखो ऐसे, तो क्या इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम होगा? नहीं जी, दोनों सेम नहीं होगा। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। a/b के बदले अगर आप रखो यहाँ पे, सिंपल ही लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल रखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लेंगे हम लोग c/7/3 और c/d के बदले अगर मान लो आप ले लो के 2/3 और e/f के बदले आप मान लो के यहाँ पे 3/3, ठीक है, ऐसे ही सिर्फ ले लिया है, तो ये ले लिया हम लोग यहाँ पे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है 7/3 वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना बीओडी मास रूल के हिसाब से, बॉड मास रूल के हिसाब से। सो 2/3 - 3/3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 - 3/3।
तो ये लास्ट में क्या आएगा इसका आंसर, 7/3 माइनस, ये भी जो 2 माइनस 3 आंसर माइनस 1 आएगा ना, सो ये माइनस 1/3, तो ये लास्ट स्टेप बाकी रह गया, क्या करेंगे 7, ये माइनस और ये माइनस, तो हो गया प्लस, 7 + 1/3 आंसर आएगा 8/3। तो क्या 8/3 इसका भी आंसर आएगा? नहीं जी, नहीं आएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो a/b जो है उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा है, a/b क्या था हमारा 7/3 था, फिर माइनस c/d था क्या था हमारा 2/3 था, ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हमने 2/3। इसके बाद e/f क्या है हमारा, e/f क्या है 3/3, ये है यहाँ पे, तो वो लिख दिया 3/3। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए बॉडमास रूल के हिसाब से, सो ये लिखा यहाँ पे 7 - 2/3, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऐसा आप लिख सकते हो, तो ये है पूरा ब्रैकेट में और यहाँ पे बाहर लिख दिया 3/3। चलो 7 - 2 क्या होगा, 7 - 2 होगा 5 और नीचे ब्रैकेट यहाँ पे 3 ये रहा, ठीक है, माइनस ये लाइन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, हैंडराइटिंग बहुत बेकार लग रही है यहाँ पे, 3/3, तो ये फिर से यहाँ पे लिख दिया 3/3। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5 - 3 लिखोगे ऐसा, 5 - 3/3, क्यों, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का दोनों सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सो 5 - 3 क्या होता है 2 - 2/3, तो इसका आंसर तो 2/3 आया और इसका आंसर 8/3, मतलब के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स इज नॉट ट्रू, इट डज नॉट होल्ड ट्रू, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, दिस होल इज नॉट इक्वल टू दिस वे। सो इस तरह से आप ये 3 रैशनल नंबर को अगर ऐसे लिखो और उसको पहले यहाँ पे आपने दूसरे और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट किया था, फिर वो ब्रैकेट हटा के आप पहले और दूसरे नंबर पे रख दो, तो ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ सकता, ऑलराइट। सो बच्चों इसके बाद देखते हैं दूसरी एक प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या, मान लो कि कोई एक रैशनल नंबर है 3/5, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, इसमें से आपने कुछ माइनस किया, पता नहीं क्या माइनस किया इसमें, ठीक है, हमें अभी पता नहीं है, तो वो उसका आंसर, और आप उसी नंबर को यहां पे लिखो इस तरह से और उसमें से माइनस कर दो 3/5, और इन दोनों का आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, वो 3/5 ही अगर आए, मतलब यहां पे जो आपने रैशनल नंबर लिया था वो ही आंसर लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, भले आप यहां पे कुछ भी माइनस करो इधर और ये कुछ ऐसे करो, तो अगर ये पॉसिबल है मान लो, तो वो ये जो बॉक्स में नंबर होगा ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, जैसे मान लो कि 3/5 है, माइनस 0 किया तो उसका आंसर तो 3/5 आ गया, लेकिन 0 - 3/5 किया तो उसका आंसर तो -3/5 आया, ठीक है, तो इस बार तो आंसर चेंज हो गया, ठीक है, तो ये आंसर 3/5 है और ये आया -3/5, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, मतलब 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, ओके बच्चों। तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन जब होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 भी इस तरह से यूज करो तो आंसर अलग अलग आते हैं, तो अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के लिए, मतलब कि उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, नो इनवर्स इज पॉसिबल, सो यहाँ पे लिख सकते हैं नो इनवर्स पॉसिबल अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे एडिशन में क्या था, एडिशन में
एडिशन जब हमने देखा था कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसमें हमने देखा था ना कि एडिटिव आइडेंटिटी थी, मतलब कि अगर आप कोई एलिमेंट को इस तरह से प्लस करते हो, 3/5 है, उसको प्लस करके ज़ीरो किया तो उसका आंसर भी 0 + 3/5, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहा था, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है रैशनल नंबर्स की। ये था इसका मतलब कि 3/5 का इनवर्स पॉसिबल है, 3/5 का इनवर्स है -3/5, तो ये हमने देखा था राइट, और -3/5 का 3/5। तो जैसा हम लोगों ने एडिशन के लिए देखा था कि पॉसिबल है एडिटिव आइडेंटिटी पॉसिबल है, एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है, वैसा सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।